राम राम जी, ये है फोर्ड इंडी ओवर और इसमें आ रही है एक चेक इंजन लाइट और आ भी बहुत दिन से रही है। कितने दिन से रही है? काफी, एक दो महीने। एक दो महीने से आ रही है और ये काफी परेशान है इस चेक इंजन लाइट से। तो आज हम चेक इंजन लाइट को देखने वाले हैं और सुना है कि इसमें लॉन्च काम नहीं करता, लॉन्च का स्कैनर, तो वो भी देखने वाले हैं। और ये भी सुना है कि लॉन्च स्कैनर का परफेक्ट इसमें डीटीसी नहीं आता, इस खाली इंडी ओवर में। तो क्या ये सही है कि नहीं है? तो पहले लॉन्च के स्कैनर से कार स्कैन करने वाले हैं। आ जाओ इधर, पहले प्रॉब्लम दिखाता हूँ, उसके बाद से स्कैनर को लगा के दिखाऊंगा मैं। गाड़ी ऑटोमेटिक है, दिखाओ। सारे लाइट आ रही है, चेक इंजन लाइट गई थी, दोबारा आ गई। अभी दोबारा से देखो, पास में करो। कुछ आ रही है, डायरेक्ट जाके चली आ रही है। अभी गाड़ी हमारी स्टार्ट है। आरपीएम दिखाओ जरा, गाड़ी बिल्कुल सेट है, स्टार्ट है। आरपीएम दिखाओ और चेक इंजन लाइट और नीचे वाली आ रही है, माल फंक्शन की लाइट आ। तो अभी हम इसको बंद करो। अभी देखा चेक इंजन लाइट आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ कमी है गाड़ी के अंदर और इस वजह से माल फंक्शन की लाइट आ रही है। तो लॉन्च के स्कैनर से ही चेक करेंगे। बहुत सारे मिस्त्री करते हैं, लॉन्च काम नहीं करता, तो पहले लॉन्च ही देखते हैं। मैं लगाता हूँ इसको। ये रहा लॉन्च का, X431 प्रो है और मैं इसको हुकअप कर दिया भाई, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, लगा दिया। और भाई बोर मत होना मिस्त्री भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। स्विच को ऑन करते हैं हम, क्लियर करते जाना बस, क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। चल ले, कैसे चल गया? अभी इंटेलिजेंट डायग्नोस करते हैं, यानी बिन नंबर उठाने के लिए इसको बोलते हैं। लॉगिन करो इसे। ये देखो ये क्या कह रहा है, रिफ्यूज क्या है। इंटेलिजेंट डायग्नोस करते हैं, क्या ये विन नंबर भाई साहब उठा पाते हैं कि नहीं, बस इतना मेरे को देखना है। घबराए नहीं बिल्कुल ही भाई। कनेक्ट VCI तो कनेक्ट हो गया, विन नंबर रीड कर रहा है। कर 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 बेटा, आज कर तू, आज तेरा ये परीक्षा है आज। आज देखते हैं सच में, नहीं बता, मैं बहुत सारे मैकेनिक भाई फोन करते हैं यार, ये विन नंबर भाई साहब ने नहीं उठा पाया। ये देख सकते हैं आप कि विन नंबर ये उठा नहीं पाया, पहली फेल हो गया ये मामला। चलो ओके करते हैं, इसको हटाओ, स्किप कर दो। विन नंबर नहीं उठा पाया, ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन पहले तो फेल हो गया, ये पहले सेक्टर में। लोकल डायग्नोस में जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं फोर्ड। आ जा भाई फोर्ड, बिल्कुल फोर्ड पे ही क्लिक करना है, यहाँ करना है ओके, ठीक है। बोर मत होना मिस्त्री भाई, मैं बता रहा हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये ऑटोमेटिक सर्च में मारता हूँ, यहाँ पोजीशन ऑन, मेरा स्विच ऑन है। और अब देखते हैं कि कितना कारगर है इसका। थोड़ा सा लाइट भी मैं बढ़ाता हूँ, लाइट ठीक है ना? ठीक है सर, सब ठीक है। बहुत ब्लर तो नहीं आ रहा ना? नहीं, सही आ रहा है। हाँ बस क्लियर करते जाना, बस एक एक चीज, चाहे कोई भी दिक्कत ना हो। 30% हो गया, थोड़ा डिले है ये। अब देखो कितने देर में काम करेगा कि नहीं करेगा कि क्या होगा, पता नहीं। मिस्त्री भाई मेरे कहते हैं नहीं करता है, नहीं करता है। चलो विन नंबर नहीं उठाता वो तो समझ में आता है, पर स्कैन तो करना चाहिए। अब मैं लगा के देखता हूँ। कर 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 80 हो गया। चल अरे अंकित, तेरा कितना हो गया भाई? चल ठीक, 90 हो गया। सीन को हटाना भी पड़ सकता है, थोड़ा भगाना पड़ सकता है, फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। आप ये दिखाते रहो कि ये कब तक हो रहा है, मेन टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, करने दो। 90% हो रहा है ना अभी। यहाँ भी टाइम देखते रहना, 4:29 का टाइम है, ठीक है। अटक गया क्या ही?
अबे हो जा भाई, इतने में तो कस्टमर ही भाग जाएंगे यार। चलो हो जा हो जा हो जा हो जा। असल बात है ये कंपनियां हो गई पुरानी, बात ये है। इधर ही दिखाओ नहीं कब ये हो जाएगा 90 से 100, कुछ पता नहीं पड़ेगा फिर। पब्लिक कहेगी भाई क्या चक्कर क्या है। चालू था ना रिकॉर्डिंग? ये देखो, ये अनेबल टू आइडेंटिफाई दिस व्हीकल, इस व्हीकल को ये चेक ही नहीं कर पाया, ये फेल हो गया। थोड़ा दूर करो, ये लिखने का मतलब लिख दिया कि इस व्हीकल में ये फेल हो गया। तो मिस्त्री भाई आप लोग सही थे, आप लोग जीते हमारे यार, आप सही थे, आप कहते थे लॉन्च फेल हो जाता है इसमें, ये सही बात है, लॉन्च फेल हो गया, चलिए हम मान लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से, अब मैं इन्फॉर्मेशन आ गया कि खेल खत्म है। चलो अब मैनुअली हम सेलेक्ट करते हैं व्हीकल फोर्ड। अब इसमें जाना है भाई, किधर है इंडियोवर, इको स्पोर्ट, इंडियोवर, ये है 3 लीटर का इंजन है, ये क्लिक करो। इग्निशन हमारा ऑन है, चलो क्लिक करो, ये 3 लीटर इंडियोवर क्लिक कर, चल 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 चल, इंजन टाइप वी, अरे हट जा, चालू हो जा भाई। हेल्थ रिपोर्ट में सिस्टम सिलेक्शन में जाते, हेल्थ रिपोर्ट देखो यार, मेन चीज है ये। देखो नो डीटीसी, कोई डीटीसी नहीं है इसके कहने के मुताबिक। चलो चलो, पीसीएम भी नो रिक्वायरमेंट, नो फॉल्ट कोड है, शाबाश, सब ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है। सब कुछ नॉर्मल दिखा रहा है भाई, नॉर्मल नॉर्मल, यानी सब कुछ इसके हिसाब से नॉर्मल है। और गाड़ी में अभी भी प्रॉब्लम, नॉर्मल दिखा रहा है, गाड़ी में प्रॉब्लम दिखाओ, आ जाओ। ये देखो चेक इंजन लाइट आ रही है, और ये दिखा रहा है कि नॉर्मल है। चलो बैक करो, चलो थोड़ा उधर हो। तो भाई ये इसके अंदर तो हो गया फेल, ये किसी काम का नहीं है। तो अभी मैं फिलहाल इसको रखता हूँ साइड में, ये गाड़ी में रख दिया इसको। अब एक्स टूल लगाता हूँ, एक्स टूल का चाहे PS20 प्रो लगा लूँ या फिर ईवी। तो अभी फिलहाल सीन काटो, मैं एक्स टूल का ईवी लेके आता हूँ। तो लॉन्च वाले भाई अभी आप हो जाओ साइड में, क्योंकि आपने करा दी हमारी बेइज्जती, कोई बात नहीं। यार अब मैं किससे करूँ यार, PS70 Pro से करूँ या फिर ईवी से करूँ? ये ईवी कौन से करूँ? S6 EV से कीजिए सर जी, पहले ईवी से करो। तो इसको PS70 Pro को रखो भाई, सब साइड पकड़ो। चेक लाइट हो जाएगी, चली जाएगी। S6 EV से अभी करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका पास में आओ, तो पहले कह रहा कनेक्ट करने के लिए, तो पहले मैं कनेक्ट करता हूँ। हाँ जी, चेक लाइट आ गई है, बता दो। चेक लाइट तो अभी जाएगी, अब रुक जाओ, स्कैन करने दो, 10 मिनट रुक जाओ। यदि काम नहीं किया तो इंडियावर में, ये मैं बता रहा हूँ आज। चलो ये कौन सी कंपनी है, फोर्ड है तो यहाँ, अरे ये इस पे फोर्ड नहीं, विन नंबर डायरेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, ऑटो स्कैन यही ना, देखता हूँ मैं विन नंबर उठाता है कि नहीं है। हाँ यार क्या फायदा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ फेल हो जावे तो कितने बड़े बड़े स्कैनर लेने से क्या फायदा, क्यों जी? सही है। तो ये यार ये तो कमाल कर दिया भाई, ये देखो विन नंबर ये उठा लिया, ये विन नंबर उठा कर तुरंत ही बता दिया इंडियोवर। इसको पता नहीं, हमने कुछ भी इसमें बताया नहीं, कैपेसिटी 3 लीटर, इंजन टाइप वी WECD, 4WD है क्या ये? 4x4 है, ठीक है। ये सारा ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक, यानी ये तो परफेक्ट बताया, एक्सूल ईवी है, तो इनने तो लाज रख ली हमारी यार। दो मिनट सर जी। हाँ मैं अब मैं ऑटोमेटिक स्कैन पे करता हूँ, देखता हूँ कि क्या, सारे मॉड्यूल स्कैन करो, वो तो बोल दिया नो फॉल्ट कोड लॉन्च ने, इसमें देखता हूँ। फेलियर तो दिखाया, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल 2 PCM। अच्छा ECM को ये लोग फोल्ट वाले PCM बोलते हैं। 2 फोल्ट दिखा दिया, स्कैनिंग हमारी कंप्लीट हो गई, यानी सारे जितने डिवाइस हैं उसको इसने स्कैन कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं जो भी डिवाइस पे हमें डायग्नोस करना है तो उस डिवाइस पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसे
कंट्रोल मॉड्यूल पे करना है तो डायग्नोस करना पड़ेगा। तो इसमें चूंकि फॉल्ट कोड नहीं है, खाली पावर कंट्रोल मॉड्यूल पीसीएम में फॉल्ट कोड है, तो इस पर क्लिक करो और यहाँ डायग्नोस पे, तो ये देखते हैं क्या फॉल्ट कोड। अभी यहाँ सारा डेटा आ गया, हमें रीड फॉल्ट कोड करना है। कैसे फिंगरप्रिंट आज काम नहीं कर रहा, ये तो डिमांड टेस्ट है, सेल्फ टेस्ट, ये जो मेमोरी में जो फॉल्ट कोड है उसका बताएगा। रेड फ्रिज फ्रेम, तो ये दो फॉल्ट कोड निकाल के दिया है दो, और ये है कंट्रोल परफॉर्मेंस या रेंज फॉल्ट ऑफ एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, यानी जीआर वाल का कुछ फॉल्ट कोड आ रहा है, और ये परफॉर्मेंस ऑफ टर्बो चार्ज बूस्ट सिस्टम, यानी दोनों से रिलेटेड कुछ फॉल्ट कोड दिखा रहा है, दूर करो। तो शुक्र है कि इसने दिखा दिया, और अब हम फॉल्ट को इसके थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये दो महीने से लाइट आ रही थी, इन्होंने ईजीआर वीजीआर जाने क्या क्या करवा रखा है सारे, क्यों जी ईजीआर साफ करवाया था, सारे करवा लिए, एक घंटे के लिए लाइट गई थी और वापस एक घंटे बाद लाइट आ गई। तो ये अभी मेरे पास लेके आया, बहुत दूर से लेके आए भैया, इनको दिखाओ जरा, ये भैया आए, हेलो। तो ये बहुत दूर से आए हैं, और लाइट से कितने दिन से लाइट से परेशान थे? अरे काफी दिन से परेशान है, वो कोई समझ ही नहीं पा रहा था, बाद में कल जैसे उनका रेफरेंस पता चला मुकेश जी का, तब जाके जो है हम यहाँ पे आए हैं, तो अब जाके प्रॉब्लम समझ में आई है कि क्या प्रॉब्लम है। अब पहली बात की सब गाड़ी में तो हल्का फुल्का स्कैनर ही काम नहीं करता है, सबसे मजे की बात, तो मिस्त्री क्या चेक करेगा, मिस्त्री तो तुक्का ही मारेगा ना, समझो हम भी तो तुक्का ही मारते हैं, यदि हम इससे चेक करते हैं और कुछ भी काम नहीं करता, इसको जो साइड में फेंक रखा है मैंने, तो तुक्का ही मारते हैं। अभी शुक्र है हमने एक्स टूल का ये भी ले लिया, PS70 प्रो भी मेरे पास है, सारे टूल ले रखा था कि कोई भी गाड़ी मुड़ के ना जाए, चाहे ऑडी हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, और ये फोर्ड का इंडियोवर, तो अभी इससे स्कैन तो पता पड़ गई। और भाई मैं ईवी को करता हूँ साइड में, और लगे हाथ PS70 प्रो को भी चेक ही कर लेते हैं, यानी ईवी तो हो गया पास, और ये थोड़ा महंगा टूल है, ठीक है, तो मैं इसको भी जमा कर रहा हूँ इधर, ये तो पास हो गया भाई। अब मैं PS70 प्रो को लेता हूँ, ये देख सकते हैं PS70 प्रो, और आपको दिखाया भी था मैंने PS70 प्रो का, एक रिव्यू भी किया था मैंने बहुत पहले जब लिया था, तो इसको मैंने चेक करता हूँ ज़रा। इग्निशन ऑन किया, मैंने तार लगा दिए ये वाला तार, और ये छोटा है भाई, लेकिन धमाल वाला, बड़े वाला धमाल में भी मज़ेदार काम करता है ये चीज, मैंने देखा, पता नहीं इसमें काम करेगा कि नहीं, आ जाओ। डायग्नोस पे जाता हूँ सबसे पहले, ये आ गया, अब मैं डायग्नोस पे क्लिक करता हूँ कि किस पे विन नंबर किधर से जाएगा, ये आ गया, ये छोटा वाला है PS70 प्रो भाई, ये छोटू है, बड़ी बिल्ड क्वालिटी में जबरदस्त है, इसको भी एक बार विन नंबर उठाने की कोशिश करता हूँ, क्या लेता है कि नहीं लेता है। ऑटो स्कैन, तो भाई बहुत फास्ट काम कर रहे, तो 100 तो ऐसे गया, अरे क्या बात है रे छोटू, बिल्कुल कमाल कर दिया भाई, इसने भी पूरा विन नंबर उठा लिया, देख सकते हैं 2012 3 लीटर WECD 4x4 ये ऑटोमेटिक गाड़ी, यानी इनने भी कसर नहीं छोड़ी, थोड़ा दूर करो, और ईवी ये ऑटोमेटिक है, और इसने भाई बिल्कुल एक्यूरेट उठाया है, यहाँ आके डिफरेंटेड पता पड़ती है। मारुति 800 सेंट्रो पेंट्रो में तो काम करता रहता है, हमें सोचते थे यार बढ़िया काम कर रहा है, पर ये क्या है? अब ये कभी कभी फेल हो जाता है, ये भी कई बार ये भी फेल हो जाता है, कई बार ये भी फेल हो जाता है, कई बार ये भी फेल हो जाता है, लेकिन ज़्यादा टाइम में फेल हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम में, ये फिर भी सेट है, PS70 प्रो भी बढ़िया है, तो इसको साइड में रखता हूँ मैं। तो भाई इनने उठा लिया विन नंबर, और बिल्कुल सेट विन नंबर उठाया, जैसा कि ईवी उठाया वैसा PS70 प्रो भी उठाया, छोटा है लेकिन काम सारे बड़े वाला है, मतलब इतना एक्यूरेट है। अच्छा टेक्निकल सपोर्ट क्या होता है ना, वो भी हम बताएंगे आपको भी, टेक्निकल सपोर्ट क्विक सपोर्ट क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो उसका जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो क्विक सपोर्ट पे जाएगा। तो अभी ये उठा लिया, आ जाओ, अब इस पे भी ओके करता हूँ मैं, ऑटोमेटिक स्कैन, बड़ी फास्ट है, तो ईवी से ज्यादा फास्ट है, ये छोटू है यार, ये दो फॉल्ट कोड इसमें देखता हूँ, रीड फॉल्ट कोड, ये तो बड़ी फास्ट चल रहा है यार, अरे तेरी यार क्या बात है।
यार भाई ये सुपर फास्ट चल रहा है और सेम फॉल्ट कोड आ रहे हैं, सेम फॉल्ट कोड जो फॉल्ट कोड आने चाहिए, मतलब जिसकी कमी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार बैक करता हूँ, एक बार और बैक करता हूँ, एक बार क्लियर फॉल्ट ट्रबल कोड करता हूँ, क्लियर। इग्निशन ऑन है कि ऑफ है? इग्निशन ऑन, इंजन ऑफ, यस, फ्री डेटा, ओके ओके, रीड फॉल्ट कोड, ये नो डीटीसी। अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। पास में दिखाओ, चेक इंजन लाइट चली गई। अब चेक इंजन लाइट तो चली गई, हम दो चार बार रेस देंगे। अभी तक चेक इंजन लाइट नहीं आई है, फिर भी हम डीटी देखो। और लोगों को पता है यार, ये जो बोलते हैं सच ही बोलते हैं। चलो इतना भी लोग बहुत एक्टिव हैं, अपने फ्लेबाजी तो आती नहीं। अब हम दोबारा से इसका रीड फोल्ड कोड करें। कंट्रोल परफॉर्मेंस रेंज, फोल्ट एग्जॉस्ट गैस, यानी कि ये एग्जॉस्ट गैस में ही प्रॉब्लम है भाई। दोबारा से रीड फोल्ड कोड, यानी कि EGR में फॉल्ट कोड है, दिक्कत है, जाने को चली जाएगी, दोबारा आ जाएगी। इसके अंदर बार बार बता रहा है EGR, यानी है। यदि नहीं रहता ना तो नो फॉल्ट कोड दिखाता, लेकिन स्टार्ट के बाद, चलाने के बाद फॉल्ट हम निकाल रहे हैं तो बता रहा है, यानी है। कभी उस फॉल्ट कोड को दूर करेंगे, EGR को चेंज करना पड़ सकता है या क्लीन करना, ठीक है। और इसका काम मेरे को काफ़ी पसंद आया, बनाना था सिर्फ ये वीडियो की। आखिर ये मार्केट के अंदर भतेरा अटूल है, कौन कितना कामयाब है, वीडियो इस पे था। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारी रहेगी, वो वीडियो रहेगी क्विक सपोर्ट पे, कि ये जो स्कैनर के स्कैनर है, इसके लिए हम क्विक सपोर्ट कैसे लें, और क्विक सपोर्ट होता क्या है, और क्विक सपोर्ट से फ़ायदा क्या है, ठीक है। अब क्विक सपोर्ट का 10-15 हज़ार रुपये चार्ज क्यों है, 10 हज़ार रुपये, आखिर क्या फ़ायदा उससे। और वीडियो देखोगे ना तो हिल जाओगे, कहोगे यार मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। वो मैं नहीं करता हूँ, एक राजा भैया है, राजा नाम है, राजा भैया नहीं यार, रुद्रेश भदौरिया। तो उनका चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उनसे ही तीनों टूल मैंने परचेज किए थे। तो ये टूल, उनका नंबर भी दे दूंगा, आप बात कर लेना, चाहे दिल करे उनसे लोग किसी से, मेरे को मतलब नहीं, पर वो गुड आदमी है, मार्केट रेट में अच्छा रेट देते हैं, ये चीज़ मैंने देखी है भाई, ठीक है। और अपने को ये तीनों हैं, ये भी हो गया अपना, ईवी भी हो गया अपना, ये अब ये तीन उनसे ही मैंने परचेज किए हैं, ऐसा नहीं किसी और से, ये तीनों टूल उनसे ही परचेज किए हैं। अब रेट भी जान लो भाई, कौन किस में कितना रेट है। इसका ये छोटा वाला का 65,000 क्विक सपोर्ट के साथ, ये 75,000 रुपये का ख़रीदा मैंने, और ये ख़रीदा 1,35,000 का। तो ये तीन खरीदा है, तीनों में मेरे को सबसे छोटा वाला PS70 Pro मजा काट दिया। और ईवी भी है, ये दादा है सबका, ये सबका जो ना दादा है, चाहे ऑनलाइन की प्रोग्रामिंग हो, की कोडिंग हो, एक प्रोफेशनल स्कैनर है। अच्छा, जितने मैकेनिक भाई हैं, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो स्कैनर देख रहा ना, जब कह रहा हूँ सबका दादा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक माइलेज एडजस्टमेंट का सिस्टम है, जो इलीगल होता है, हम तो नहीं करते कभी, लेकिन इसके अंदर है मीटर बैक करने का भी, किसी किसी गाड़ियों का है। तो इसमें अपडेट दिया हुआ है, जैसे नया मीटर लगाते हैं तो अपना मीटर ओरिजिनल डालना होता है कई बार, उसके लिए है। तो ये सब कामयाब है इसके लिए, ठीक है। अभी मैं वीडियो को यहीं समापन कर रहा हूँ भाई, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू। कोई सवाल हो सुझाव कमेंट में मार दीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा मैंने जिससे लिया है, आप जानते भी होंगे उनको, रुद्रेश भदौरिया नाम है। ओके थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए।